डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 पे नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 12th के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो व्यापक हल कैसे निकालेंगी, सबसे पहले देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई साल के पेपर में रिपीट है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगी, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी चरों के पृथक्करण से, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चरों के पृथक्करण से और यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण, ठीक है। अब देखिए एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ, देखिए कैसे करेंगे, ये डी एक्स ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यानी डी वाई अपॉन में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस डी एक्स को यहाँ भेज लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन का सिंबल लेना है, तो आप यहाँ लिख ले टेकिंग इंटीग्रेशन, एक मिनट पैर नहीं चल रहा जरा। अब देखिए ध्यान से, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड समाकलन लो, डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी मान लो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका व्यापक हल आ गया है, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पे कि यही यही अभीष्ट व्यापक हल है, यही अभीष्ट व्यापक हल है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार के एग्जाम में रिपीट है। देखिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको सही से आपको रिपीट करना है। चलो